बोलो हाय गाइस। हाय। मतलब तुरंत दोस्तों की भाभी क्या बोला है? Hey guys, welcome back to my channel, मांपी डॉट राहुल। तो आज हम सुबह उठ के क्या की पता है? सुबह उठ के झाड़ू दिए, मायरा को सुला के उठाए, मायरा को नाश्ता करवाए, नहाए, पूजा किए और अभी हम लोग देख रहे हो हम खाना भी बना रहे हैं बर्तन, क्योंकि पता है बहुत लोगों को इजी लगता है रात में बर्तन धुल के सुबह इजी लगता है, ये हमको भी इजी लगता है लेकिन इतना थक जाता है ना, रात में मन ही नहीं करता है कि हम बर्तन धुले और उसके बाद सोए, तो इसलिए हमको सुबह बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाता है, भारी पड़ता है मेरा ही काम मुझे। चलो बने रहना, हम कुछ भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, वही आज भी बोल रूटीन रहेगा मेरा। आज शायद बाबू आने वाले हैं तो जो भी होगा हम आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों को ब्लॉग को लास्ट तक देखना है, लाइक प्यारा प्यारा कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना। पता है हमको ये न्यू जो बर्तन मांजने वाला साबुन ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो न्यू साबुन आता है ना, हमको उससे बर्तन मांजने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि गीला गीला साबुन से बर्तन मांजने का अच्छा मज़ा रहता है, ये बहुत करा रहता है, इससे फेना ही नहीं होता है, अजीब लगता है। तो चलो बर्तन मांज देते, उसके बाद आप लोगों ने सारे आधा काम करके रखे, झाड़ू झाड़ू लगा दिए, बेड वेड साफ करना है। गाइस आपकी मांपी भाभी अब यूट्यूबर से ये हो गई है, आ गया क्यारी बहू घर संभाल रही है, इसको भी देखो इसको। मायरा से हाय, मायरा हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय। क्या बोले भाई, प्यारी बच्ची ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बता, मेरे पास ना, अच्छा ठीक, रुक जाओ लीजिए इसको। भाभी भाभी चिल्ला रहे थे तो हु 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 भाभी सबसे पहले शेखर यादव को पीना है। क्या देखे गाइस, देख लिए ना जुल्मी भाभी को, चाय के लिए बता दी, बोल दी आप लोग सामने, प्रूफ दे दी कि तुम्हारे लिए, कभी ऐसा होता है कि हाँ शेखर लो तुम्हारे लिए चाय बनाए हैं, अब चुप रहिए, सच बोल दिए आज, आप लोग कमेंट करके बताओ कोई इतना, को इतना प्यारा इतना हैंडसम देवर को ऐसे कैसे कोई बोल। हाँ भैया, अरे लड़की तो गजब कर दी है, छोड़ ही नहीं रही है भाभी, इसको आईब्रो छूने में बहुत अच्छा लगता है, देखिए ना सर। उसका आग रोज रही है। नहीं करो बेटा, बुद्धू लड़की, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं ना भाभी। हाँ। था बोल चेस मायरा, मम्मा इधर देख, मम्मा
जा चाचू चल गए, अब क्या होगा। छोना माता। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बता दो, बता दो। मम्मा मेरे साथ खाना बनाते बनाते मम्मा मेरे साथ खेलू खेलू करने आए हैं। मम्मा जाओ खाना बनाओ आप। मायरा के साथ खेलने में हमको इतना मजा आता है ना कि हम आप लोगों को कैसे बताएं। अच्छे से ऐसा करके देख ली मम्मा क्या कर रही है। कुछ बोलो बेटा, बोलो कुछ, बोलो हाय गाइस। हमें मायरा यादव वापस लेंगे तब हमको शांति मिलेगा। तो अभी अब मेरा खाना तक नहीं बना, चढ़ा के आए हैं और सारा काम ऑलमोस्ट हो गया। बेड भी साफ कर ले, लेकिन ये जो लड़की है ना फिर से गंदा कर दी। और घर पे बच्चा रहता तो उतना तो होता ही है। तो अभी हम नहा के आए हैं, इसको इग्नोर करना क्योंकि मेरा बाल पोछ रहे थे इससे हम इस पर टांग दे, मेरा बहुत गंदा आता था। तो इसको अभी बाहर सुखाने जाना है और हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। आप लोगों को देख के लगता नहीं है क्या? और आप लोग इतना कम लाइक करते हो, क्यों अच्छा नहीं लगता क्या? अभी हमको लाइक भी कम करते हो, कमेंट्स नहीं करते हो। प्यारा प्यारा क्या हो गया आप लोगों को? सब्सक्राइब करो गाइस, जो भी न्यू हो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल को, और जो पुराना हो आप लोग शेयर कर दो अपने रिलेशन में व्हाट्सअप में, ताकि वो लोग भी आए और मेरा ब्लॉग देखे और मेरा मायरो को भी देखे। कहाँ से सीख रही है गंदा आदत? नहीं करते अच्छा नहीं करे। तो चलो अभी हम तो खाना चढ़ाए हैं, खाना देंगे। बाबू को फ़ोन करते हैं, वो बोलेगी 5 बजे। 5 बजे वो वहाँ से निकलेंगे, मतलब आते हैं तो 3 घंटा, वो जहाँ पे है ना वहाँ से आता है तो यहाँ पे 3 घंटा लगेगा। चलो शायद वो आने के बाद थोड़ा सा घर लगे कि हाँ घर में कोई है, ऐसा तो लग नहीं रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा। शेखर भी अपने काम कर रहे हैं, वीडियो वगैरह एडिट कर रहे हैं। मायरा ही परेशान कर रही है हमको थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत शांत है। मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि होता है ना कि काम कर रहे हैं, अपना वीडियो एडिट वगैरह कर रहे हैं, मतलब तुरंत सोचते कि भाभी क्या बोल रहा है। सुन आ गया सुनने, बताओ। तो और हम बोर हो रहे हैं, मेरा काम है, हम घर का भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बिजी है, पर हमको ना हमको लगता है किसी से बकर बकर करे काम करे साथ में, दोनों काम करे एक साथ। तो चलो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मतलब सारा काम अकेले करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अभी मम्मी का महसूस होता है, मतलब उनको छोड़ के अकेले घर में हम नहीं रह पाएंगे। और कोलकाता में अगर आप लोग पूछोगे तो सबसे पहली बात तो कोलकाता मेरा 2 BHK का फ्लैट है, तो इतना बड़ा नहीं है यहाँ इसके तरह अपना घर की तरह। तो वहाँ पर छोटा छोटा 2 BHK का 2 रूम है और हॉल रूम है, उतना हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमको तो तब वहाँ पे सुबह उठना पड़ेगा, यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मायरा का स्कूल दे देंगे, तो तब तो हमको सुबह ही उठना पड़ेगा। तो सब काम धीरे धीरे हैंडल हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम तो होगा शुरू में पर कर लेंगे हम। तो चलो फिर कुछ करेंगे तो आप लोगों से मिलते हैं फिर से। खुश तो आज बहुत हो गया आप, टेन 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 खुशी का ठिकाना नहीं है। इतना दिन मतलब कब आए हैं मौसी के घर से? हम लोग आए हैं, याद नहीं कितना दिन हो गया, फिर 4-5 दिन हो गया होगा। 4-5 दिन मेरा ये नरम हाथों से सारा घर का काम करना पड़ा। तो 50 रुपया का डिस्काउंट और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ओवर एक्टिंग के लिए सही बात सही है, 5 दिन से सारा काम कर, बहुत ज्यादा लोड हो गया मेरे ऊपर लगता है। मतलब बहुत पहले हम काम छोड़ते, अब सोच सकते हो हम 5 साल, मेरा शादी 5 साल है ना, तो 5 साल 4 साल ठीक है, हम 4 साल से घर का सारा काम करना छोड़ दिए थे। मतलब करते थे अपना रूम बेडरूम साफ करना, दोपहर में थोड़ा बहुत खाना बनाना, उतना हिलदुल सब इंसान करता है, उतना भी नहीं करेंगे इतना, थोड़ा बहुत करते थे। लेकिन एकदम जो घर का जो लोड होता है वो नहीं लिए थे, वो एकदम छुटा था। और इस बार मेरा क्या हुआ, मम्मी भी नहीं है, मतलब घर का जो जिम्मेदार सब पूजा करना, सुबह मम्मी उठ के झाड़ू वगैरह लगा देती है, वो भी हमको ही करना पड़ रहा है, पूरा वीडियो भी बनाते हैं आप लोग के लिए, मायरा को संभालना पड़ता, मतलब सबका अकेले लोड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लोड हो गया था।
से ना हम 3 दिन से बोले रिलैक्स होंगे पार्लर से, कोई किसी को फोन करके बुलाएंगे घर रिलैक्स होने के लिए, वो भी नहीं हो पा रहा। डेली बोलते आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, नहीं हो पा रहा। मतलब इतना लोड हो गया था मेरे ऊपर। तो आज फाइनली एक मतलब मिला है हमको, मिली एक लड़की, तो वो आज से शायद काम में आएगी, ज्वाइन करेगी। हम इतना खुश है, इतना खुश तो हम मतलब क्या बताएं, थे ही नहीं। मतलब ये 5 दिन में तो मेरा सुख चैन सब कुछ उड़ गया था, तो अभी फिर से वो न्यू आया है मेरा, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, हम आप लोगों को बता नहीं सकते। तो हमको लग रहा है आज का दिन सेलिब्रेट करें, केक मंगाए काटे नाचो नाचो मायरा नाचो। खाना भी बनाना है, यही हमको टेंशन था। फिर मायरा को भी संभालना है, वैसे में वो आ जाएगी तो घर का अगर काम संभालेगी तो मायरा का रख लेंगे, उतना परेशान भी नहीं करते हैं। तो यार हम बहुत हैप्पी है, मिलाते हैं उसको आने दो, हम आप लोगों से भी मिलाते हैं। तो उनसे मतलब बात की तो बोली कि हम सोचिए आपको सब आता है काम करना, मतलब आप कर लोगे, तो बोले कि हाथ हम कर लेंगे, तो हेल्प तो हम करेंगे, ऐसे नहीं सब उनके मत थोपेंगे, हेल्प तो हम करेंगे। तो ये ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बंद करते हैं, फिर मिलेंगे कल अच्छा ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके और लाइक करो, ठीक है। लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, देख के चल जाते हो, कंजूसगिरी करते हो लाइक का बटन दबाने में भी आप लोग। चलो आज के लिए यहाँ पे, फिर मिलेंगे कल एक अच्छा ब्लॉग के साथ। बाय बाय।